शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी काली मंदिर पर भक्तों ने पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल, कमल और श्वेत रंग का पुष्प प्रिय है। जो भी भक्त इन पुष्पों को माँ को अर्पित करके पूजा करता है तो माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है। जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी प्रमोद ने बताया कि नवरात्र का दूसरा दिन है, भक्त सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सुबह और शाम में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग दिन नवरात्र में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। यह मंदिर बहुत पुराना है जहां पर दूर दूर से भक्त आकर माँ के दर्शन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी प्रमोद ने कहा, प्रमोद आज दूसरा दिन है, पब्लिक आ रहे हैं, दर्शन करके चले जा रहे हैं। कल भीड़ था, आज मंगलवार है, शाम को फिर भीड़ होगा, आज सुबह भीड़ था। हाँ, अलग दिन अलग महिला भी आती हैं, जो व्रत रहते हैं वो भी, उन लोग आते हैं, जो नहीं व्रत होते हैं तो भी आती हैं। ये मंदिर खाली नहीं जाता, मंदिर बारहमासी भीड़ होता है, बहुत पुराना है। उस समय तो हम बहुत छोटे हैं। कितना साल पुराना मंदिर है? तीसरा पुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा, हजारों आदमी आते हैं, कई मंदिर खाली नहीं जाता है, जरूर दिन में 100 आदमी 200 आदमी आते जाते रहते हैं, बहुत पूरा होता है। एक ऐसा मंदिर है कि हर माता रानी जो पूज लिया तो पूज लिया, हर कामना पूरा करती हैं।